Hello everyone, today we are going to see the practical number 8, that is to calculate the factorial of any number. हमें पता है factorial कैसे calculate करना होता है, maths में हमने पढ़ा है सब लोगों ने, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को उसका program जो है वो write down करना है या फिर program जो है वो तैयार करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? तो basically उसके लिए हमें function क्या है वो बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर इस program को तैयार करने के लिए फैक्टोरियल का अलग से एक फंक्शन जो है वो बनाने वाले हैं। सो उसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, थ्योरी पार्ट जो है वो भी आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो फंक्शन क्या है ये सबसे पहले देखते हैं। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स विच आर डिफाइंड टू परफॉर्म सम टास्क। फंक्शन जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे और वो कुछ स्पेसिफिक टास्क पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। और हम जो प्रोग्राम यूज करते हैं, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर मेन फंक्शन तो हमारा होता ही है। सो हमें पता नहीं है कि फंक्शन क्या है, लेकिन फिर भी हम मेन फंक्शन जो है वो अभी तक यूज कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। सो मेन फंक्शन के बिना आपका प्रोग्राम तो लिखा जाने वाला ही नहीं है, मेन फंक्शन तो रहेगा ही। एडिशनली आपके नीड के हिसाब से आप कुछ फंक्शन जो है वो एक्स्ट्रा लिख सकते हो आपके प्रोग्राम में। मेन फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, उसके सिवा कुछ और ऐड करने हैं तो आप वो फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन जो है आज तक हम लोगों ने यूज किए हैं बिना फंक्शन क्या है ये जाने हुए। ओके, सो कौन कौन से फंक्शन है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी जो हमने यूज किए हैं। उसके लिए पहले हमें देखना है फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, या फिर इसे कहा जाता है लाइब्रेरी फंक्शन, और सेकेंड जो होता है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूजर जो है वो उसकी नीड के हिसाब से उसको डिफाइन करेगा। और प्री डिफाइंड या फिर लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए होते हैं, आप बस उसको यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि मेन फंक्शन है या फिर आपका प्रिंट एफ फंक्शन है, स्कैन एफ फंक्शन है, गेट सी एच है, सी एल आर एस सी आर है, रिटर्न जीरो है, ये सारे जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम उसे बस यूज कर रहे हैं। और आज हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं उसके अंदर हम फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि हमारी नीड के हिसाब से हम खुद उसको डिफाइन करने वाले हैं। सो दैट विल बी ऑफ सेकेंड कैटेगरी, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। इतना क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कोई भी फंक्शन अगर है तो उसके तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है फंक्शन का डेफिनेशन, दूसरा होता है फंक्शन को कॉल करना, और तीसरा होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। सो फंक्शन का डेफिनेशन का सिंटैक्स कैसा होता है ये मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है कि रिटर्न टाइप आ जाएगा पहले, फिर फंक्शन का नाम आएगा, फिर आर्गुमेंट लिस्ट आपकी राउंड ब्रैकेट्स में आएंगी, और एंड में आपकी जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो आ जाएंगे। ओके, सो ये हो जाएगा आपका फंक्शन का डेफिनेशन। देन आता है आपका सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज फंक्शन कॉल। So in function call there will be function name and argument list. Okay, there will not be return type of the function. You don't have to mention the return type. It will be only mentioned in function definition and function declaration. Return type function call में नहीं आएगा, बस function का नाम और जितने भी argument list है वो आएगी, अगर होंगी तो, अगर नहीं है arguments तो नहीं आएंगी। Next आता है आपका function declaration. फंक्शन डिक्लेरेशन में आपका आएगा पहले रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, एंड ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिस्ट, और एंड में आएगा आपका सेमीकोलन। सो फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन में आपका सेमीकोलन आएगा, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के एंड में आपका सेमीकोलन नहीं आएगा। ये चीजें भूलनी नहीं है, सेमीकोलन कहाँ आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा, ये चीजें ध्यान में रखनी है। बाद में आपको जब भी आदत हो जाएगी तो आपको इसको ध्यान में अलग से ध्यान में रखने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल अगर आपकी स्टार्टिंग है प्रोग्रामिंग की तो फंक्शन कॉल और डिक्लेरेशन में सेमीकोलन आएगा, फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं आएगा। नेक्स्ट, जब भी हम मेन फंक्शन लिखते हैं, हमें मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है तो वो मेन फंक्शन के बिना होगा नहीं आपका। सो मेन फंक्शन जो रहेगा वो आपका कॉलिंग फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि उस फंक्शन के थ्रू आपका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हो। सो सपोज करो कि मेन फंक्शन है, उसमें मैंने फंक्शन वन को कॉल करना है और ऊपर मैंने फंक्शन वन की डेफिनेशन जो है वो लिख के रखी है। तो जब भी मैं फंक्शन वन को कॉल करूंगी, ये सेमीकोलन करके कॉल करते हैं हम,
तो जैसे ही मैं फंक्शन वन को कॉल करूंगी तो कंट्रोल जो है फंक्शन वन को कॉल करने के बाद आपका फंक्शन वन का डेफिनेशन कहाँ पर लिखा है वहां पर चला जाएगा। ओके सो कॉल्ड फंक्शन जो है आपका वो रहेगा फंक्शन वन, उसके ऊपर आपका कंट्रोल जो है वो चला जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो पूरा खत्म होने के बाद वो वापस से फंक्शन वन जहां पर कॉल किया था वहां पर आ जाएगा और फिर मेन फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसको कॉल करते उसको एग्जीक्यूट करते वक्त जहां पर हम लोगों ने फंक्शन वन को कॉल किया है वहां से वो जंप करेगा सीधा फंक्शन वन की डेफिनेशन पे, फिर फंक्शन वन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा और जहां पर फंक्शन वन की डेफिनेशन खत्म होती है वहां से वो निकल के जहां से फंक्शन वन को कॉल किया था वहां पर चला जाएगा, मतलब मेन फंक्शन में, और बाकी बची हुई जो लाइन है वो उनको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ओके सो मेन फंक्शन जो है वो आपका रहेगा कॉलिंग फंक्शन और जो आपका फंक्शन जिसको हमने कॉल किया है वो रहेगा आपका कॉल फंक्शन। ओके सो नेक्स्ट जो है कि फंक्शन को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। ओके सो वेदर दैट फंक्शन इज रिटर्निंग अ वैल्यू और नॉट, और वेदर दैट फंक्शन इज एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स और नॉट, बेस्ड ऑन दैट दैट फंक्शन विल बी कैटेगराइज इन फोर कैटेगरीज। So first category will be function with no argument, no return type, then function with no argument but return value, then function with an argument and no returning value, and fourth function will be with argument and with returning value. So argument जो है वो आपकी राउंड ब्रैकेट्स में जो भी थे आपके वो आर्ग्यूमेंट है, और रिटर्न वैल्यू अगर वो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, उसके बेसिस पे चार कैटेगरीज में फंक्शन को डिफाइन किया गया है, फंक्शन को डिवाइड किया गया है। सो उनको हम डिटेल में नहीं देखने वाले क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फोर्थ जो कैटेगरी है वो आज के प्रोग्राम में हम यूज करने वाले हैं, दैट इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू। सो इतना ही हमें यहाँ पर देखना है फंक्शन के बारे में, बाकी फैक्टोरियल को कैसे फाइंड आउट करना है आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। 5 का फैक्टोरियल अगर फाइंड आउट करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो आ जाएगा 120। ओके सो यहाँ पर देख लो 5 जो है वो 1 डिजिट नंबर है लेकिन उसका फैक्टोरियल जो है वो 3 डिजिट आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो अगर मैंने 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर दे दिया तो उसका फैक्टोरियल बहुत बढ़ाएगा। और शायद से आपको पता होगा कि इंटीजर वैल्यू, अगर इंटीजर डेटा टाइप अगर हम देते हैं किसी वेरिएबल का तो उसकी भी कुछ रेंज होती है, जैसे कि इंटीजर की जो रेंज है वो -3 to 76 8 से लेके +3 to 76 7 तक है। ओके सो इतने ही नंबर जो है वो उस वेरिएबल के अंदर, इतना यहाँ तक की रेंज के नंबर जो है वो हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैंने अगर 3 डिजिट का या फिर 2 डिजिट का नंबर दे दिया फैक्टोरियल निकालने के लिए तो उसका जो फैक्टोरियल है वो बहुत बड़ा आ जाएगा, जो कि इंटीजर की रेंज के बाहर जाएगा। सो नंबर जो है वो हम इंटीजर टाइप का लेंगे लेकिन जो फैक्टोरियल जिसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं वो हम लॉन्ग इंटीजर टाइप का लेंगे, लॉन्ग इंट की जो रेंज है वो इंटीजर से बड़ी है। सो वो जो वैल्यू है जहाँ पर हमारा आंसर जो है या फिर फैक्टोरियल जो है वो स्टोर होने वाला है उस वेरिएबल को हम लॉन्ग इंट टाइप का बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत हो गया, चलो हम जाते हैं अभी आपकी प्रोग्राम की ओर। तो न्यू प्रोग्राम फाइल जो है वो ले लेते हैं, इसको मैंने बड़ा कर दिया, सेव कर देती हूँ पहले हमेशा की तरह। आपका प्रोग्राम है फैक्टोरियल का, सो मैंने उसको fact.c से उसको सेव कर दिया। ठीक है नेक्स्ट एज यूजुअल हमें क्या करना है, हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी है stdio.h। नेक्स्ट है आपका हैश इंक्लूड conio.h और एंगुलर ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी फिलहाल तो हम मेन ही ले लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन हमें लिखना है तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ लिखना है कैसे लिखना है। सो फिलहाल मेन फंक्शन ले लिया, उसके अंदर मैंने इंट एनो नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया, और मैंने आपको जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जिसके अंदर हम
आंसर स्टोर करने वाले या फिर फैक्टोरियल स्टोर करने वाले हैं वो हम लॉन्ग इंटीजर टाइप का बनाएंगे. सो सेम उसी तरह से मैंने उसको लॉन्ग इंटीजर टाइप का बनाया है. नेक्स्ट CLR SCR आउटपुट विंडो को क्लियर करने के लिए. CLR SCR जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन है आपका, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन है. मेन आपका लाइब्रेरी फंक्शन है. गेट CH आप यूज करते हो वो भी आपका लाइब्रेरी फंक्शन है. मतलब बिना जानते हुए हम लोगों ने कितने सारे लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर लिए हमें भी नहीं पता था. ओके सर अभी तो क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट हमें क्या करना है, यूजर से नंबर जो है वो लेना है. सो स्लैश एन एंटर द नंबर. ओके सो नंबर को एंटर करने का मैसेज मैंने डाल दिया. अभी मुझे वो लेना भी पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा. सो स्कैनफ जो है वो मैंने ले लिया और उसमें मैंने लिखा परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एनओ. ओके सो एनओ के अंदर हमारा जो नंबर है वो अभी तो आ चुका है. नेक्स्ट हमें क्या करना है, आंसर के अंदर आप लोगों का जो आंसर है वो आना चाहिए, बराबर है. लेकिन हमें जो फैक्टोरियल निकालने का काम करना है वो हमें निकालना है, फैक्टोरियल फंक्शन अलग से बनाना है. सो मैंने किस नाम का फंक्शन बनाना है वो नाम यहाँ पर लिख दिया और उसके अंदर मैंने एनओ जो है उसको पास कर लिया. मतलब नंबर जो था हमारा उसको मैंने यहाँ पर पास कर लिया. अभी थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा भूल जाओ, नेक्स्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा. सपोज करो कि यहाँ पर आंसर में मुझे जो फैक्टोरियल है वो मिल जाएगा तो मैं बस उसको अभी यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ. हमेशा की तरह पहले नंबर को प्रिंट कर लेंगे, ओके परसेंट डी करके, और फिर हमें क्या करना है, फैक्टोरियल को भी प्रिंट करना है. सो फैक्टोरियल परसेंट एल डी ऐसा क्यों लिखा, भी परसेंट एल डी क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फैक्टोरियल किसके अंदर स्टोर है, वो है आंसर के अंदर स्टोर. और आंसर किस टाइप का है, लॉन्ग इंटीजर का. सो लॉन्ग इंटीजर का जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंट एल डी, और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो था वो था आपका परसेंट डी. ये तो आपको पता ही है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर था परसेंट डी, लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एल डी. ओके सो बस इसको हम थोड़ा सा स्पेस देना है, फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, आंसर तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. गेट सी एच कर दो और प्रोग्राम को एंड कर दो. ओके सो यहाँ पर मैंने इसको एंड कर दिया. एक फंक्शन तो हो गया लेकिन हमारा मेन जो लॉजिक है फैक्टोरियल का वो तो बाकी है, वो तो हमने लिखा ही नहीं, बराबर है. सो वो मुझे लिखना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऊपर मैं उसको लिखूंगी. सो हमारा फंक्शन डेफिनेशन हमें लिखना है तो उसका मैंने सिंटैक्स क्या बताया था, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ पैरामीटर्स, राइट. सो रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न क्या करने वाला है, ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल नाम का फंक्शन हमने बनाना है. ओके सो यहाँ पर मैं नाम तो लिख देती हूँ पहले, फैक्टोरियल. ओके उसके बाद ब्रैकेट्स, हम पास क्या कर रहे हैं, यहाँ से नंबर को पास कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है. सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूंगी जो कि रहेगा इंटीजर टाइप का, ठीक है. लेकिन रिटर्न टाइप रह गया, राइट. सो रिटर्न क्या कर रहा है, फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, जो फैक्टोरियल है वो निकाल के रिटर्न करेगा, जो आंसर है वो रिटर्न करेगा इसके लिए. और आंसर किस टाइप का है, लॉन्ग इंटीजर. सो फैक्टोरियल फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या आएगा, लॉन्ग इंट. क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग इंट टाइप की वैल्यू जो है वो पास कर रहा है. ओके सो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने इंट ए क्यों लिया, क्योंकि यहां से अगर मैं एनओ को भेज रही हूँ, बराबर है, यहां से मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ये जो है आपका फंक्शन कॉल है, बराबर है. मेन जो है आपका वो है कॉलिंग फंक्शन, मेन है आपका कॉलिंग फंक्शन, और फैक्टोरियल जो है वो है आपका कॉल्ड फंक्शन. क्या है, कॉल्ड फंक्शन. ओके सो कॉलिंग फंक्शन है मेन, उसमें से हम लोगों ने यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है. लेकिन कॉल करते वक्त हमने क्या किया, एनओ को पास किया. अभी इधर से मैं अगर वैल्यू भेज रही हूँ तो उधर उस वैल्यू को पकड़ने के लिए कोई तो भी चाहिए, उस वैल्यू को कैच करने के लिए कोई तो भी वेरिएबल चाहिए, है ना, राइट. जैसे कि क्रिकेट की मैच खेलते हैं तो उसके अंदर अगर
कोई बॉल फेंकता है तो उस साइड में दूसरी साइड में बॉल को कैच करने वाला कोई तो भी चाहिए होता है, राइट? बॉल अगर फेंका है तो उसको कैच करने वाला कोई चाहिए। सेम उसी तरह से अगर आप नंबर को भेज रहे हो, नंबर को यहाँ से फेंक रहे हो, तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट लेने के लिए, उस नंबर को कैच करने के लिए कोई वेरिएबल लगेगा। ऑफ कोर्स वो कैसा चाहिए, जिस टाइप का ये वेरिएबल भेजा है, जिस टाइप का ये वैल्यू भेजा है, उसी टाइप का वो चाहिए। सो नंबर जो है वो इंटीजर है, तो इसलिए हम लोगों ने इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। और एक बात इंपॉर्टेंट वाली, यहाँ पर एनो वेरिएबल है तो इसका स्कोप कहाँ तक चलेगा? यहाँ से हम उसको भेज रहे हैं, यहाँ पर नए वेरिएबल में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोई भी अगर वेरिएबल हम बनाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे लोकल वेरिएबल। फंक्शन के अंदर बनाए हैं तो फंक्शन का लोकल वेरिएबल ये हो जाता है। सो किसी भी लोकल वेरिएबल की जो स्कोप होती है, उसकी जो लाइफ होती है, वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी? जहां से आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है वहां से लेके कर्ली ब्रैकेट एंडिंग के पहले तक, इतनी ही एनो वेरिएबल की जो लाइफ है वो रहेगी। इसके बाहर अगर उसको यूज करने आप गए, कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर अगर आप एनो वेरिएबल को यूज करने गए, तो वो चलेगा नहीं। वो वहां पर, मतलब एनो वेरिएबल इन कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर मर जाता है, वो वहां पर जिंदा नहीं रहता। उसकी लाइफ कहाँ कहाँ तक है, बस इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट जो है मेन फंक्शन का, उसके अंदर उसकी लाइफ है, वहां तक वो जिंदा रहेगा। उसके बाहर निकला वो मर जाएगा, वो उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसके बाहर उसको नहीं जाना है। सो उसके बाहर तो एनो जाएगा नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू तो हम भेज सकते हैं, तो वो वैल्यू हम भेजेंगे और वो नए वेरिएबल में बना लेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक नया वेरिएबल बना लिया। ओके, सो ये जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बनाए हैं ए नाम का, वो मैं एनो नाम का भी वेरिएबल बना सकती थी। बस क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का एनो वेरिएबल अलग रहेगा, मेन का एनो वेरिएबल जो है वो अलग रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम नेम का वेरिएबल आप बना सकते हो, लेकिन वेरिएबल जो है वो अलग अलग बनेंगे। मेमोरी में जहाँ पर वेरिएबल्स बनते हैं वो अलग अलग जगह पे बनेंगे, उनकी अलग कॉपी रहेंगी। ओके, सो बहुत हो गया। फैक्टोरियल का रिटर्न टाइप जो है, फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो है लॉन्ग इंट है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, मुझे बताओ जो आपका कोई भी अगर नंबर है, फैक्टोरियल हमें निकालना है, अगर वो जीरो का, जीरो फैक्टोरियल आता है, नंबर जो है वो जीरो आता है, तो उसका फैक्टोरियल क्या आएगा, वन ही आएगा। और अगर नंबर वन है तो वन का फैक्टोरियल क्या आएगा, वो भी वन ही आएगा। सो बस वही चीज हमें यहाँ पर चेक करनी है, जो कि मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ अभी। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखूंगी, चेक करूंगी, इफ जो वैल्यू हमने ली है ए के अंदर, वो ए जो है वो इक्वल्स टू जीरो है क्या, या फिर और की कंडीशन लॉजिकल, और या फिर क्या चेक करना है, ए जो है वो वन है क्या। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रिटर्न वन। क्यों? क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल, दोनों का फैक्टोरियल जो है, भले ही वो जीरो हो या फिर वन हो, दोनों का जो फैक्टोरियल है वो वन होने वाला है, इसलिए वो वन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चेक करना है, अगर जीरो या फिर वन नहीं है तो आपको क्या करना है, एल्स की बात आएगी नहीं, एल्स डालना ही नहीं है। बस क्या करना है, अगर जीरो या फिर वन नहीं है दिया हुआ नंबर, तो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। लेकिन रिटर्न में क्या लिखना है, देखो यहाँ पर ए इंटू फंक्शन को कॉल करो, फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस वन। खुद ही खुद को कॉल कर रहा है, देखो फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन है और उसके अंदर खुद फैक्टोरियल फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, खुद ही खुद को कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है खुद की डेफिनेशन के अंदर। दैट इज योर रिकर्शन, मतलब खुद ही खुद को कॉल कर रहा है। सो यहाँ पर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो उसको मैंने सेव कर लिया, अल्टर F9 चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं, जीरो एरर जीरो वार्निंग, कंट्रोल F9 चेक करके देखो, मैंने नंबर डाला 5, 5 का फैक्टोरियल आपको मिल गया है 120, करेक्ट आंसर मिल गया है।